नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत। मैं हूं आपके साथ नासिर खान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। बहराइच में आज दर्जनों प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी के नेतृत्व में बहराइच कलेक्टर परिसर में पहुंचकर विभिन्न मांगों का ज्ञापन अपर जिलाधिकारी को सौंपा। वो लगातार डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों को लेकर आंदोलित हैं। उनका कहना है कि बहराइच में लगातार बिजली के बिल में धांधली के लेकर धन उगाही की जा रही है, उसे बंद किया जाए। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी ने अपने मांग पत्र में लिखा है कि पेट्रोल व डीजल के बढ़ते हुए दाम कम किए जाएं, घरेलू गैस की बढ़ाई गई कीमत कम की जाए, जनपद बहराइच में बिजली विभाग के द्वारा बिजली बिल में धांधली की जा रही है उस पर रोक लगाई जाए, किसानों के यूरिया खाद की धंधावाली कम की जाए, जनपद बहराइच में बढ़ती हुई अपराध पर रोक लगाई जाए। न्यूज 9 भारत के लिए अनस तारिक की खास रिपोर्ट। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय शिवपाल सिंह यादव जी के निर्देश पर आज पेट्रोल डीजल घरेलू गैस की कीमतें बढ़ने पर और सबसे ज़्यादा जनपद बहराइच के अंदर बिजली विभाग के द्वारा बिजली में जो बिल में जो धांधली की जा रही है और धन उगाही की जा रही है बिजली विभाग के द्वारा पर लोगों से, इसका विरोध हमने आज पर जारी किया है कि अगर इस धांधली को बंद नहीं किया गया तो प्रगतिशील समाजवादी पार्टी इस बिजली विभाग के भविष्य में बड़ा धरना प्रदर्शन करेगी।